लाइफ की सेकंड इनिंग के लिए हर चीज बहुत पहले से प्लान करनी पड़ती है, फिर चाहे वो टूर हो या फाइनेंसेस। रिटायरमेंट का मतलब ही है प्लानिंग इन एडवांस। यस, मैं हेल्प यू? मुझे एक्चुअली ट्रिप बुक करनी थी। सॉरी, हम तो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए टूर बुक करते हैं। अरे नहीं नहीं सर, मुझे एक्चुअली अपनी दादी के लिए ऋषिकेश की ट्रिप बुक करनी है। ओह ओके, आओ बैठो। अपनी दादी के लिए टूर बुक कराने के लिए पोती पहली बार हमारे इस ऑफिस में आई है। एक्चुअली मेरी दादी ऋषिकेश जाना चाहती है और मॉम डैड तो बहुत बिजी रहते हैं, एंड दादी को ऐसे अकेले तो नहीं भेज सकते ना। प्लस मेरी दादी का 75th बर्थडे भी है, वो तो ये टूर में उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लगता है पानी उबल गया है, क्या पियेंगी, चाय कॉफी? कॉफी। ओके, आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, पर आप सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यों टूर अरेंज करते हो? अरे किसी को तो करना चाहिए ना, बस मैंने शुरू कर दिया। बताइए ना अंकल। देखो बेटा, 25 साल मैंने मार्केटिंग फील्ड में काम किया, हमेशा घूमना पड़ता था, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ था। कुछ 4 साल पहले की बात है, मुझे अचानक दिल का दौरा पड़ा, इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। 2 महीने तक तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाया। तब मुझे समझ आया कि किसी पर निर्भर रहना कितना मुश्किल होता है, और इस बात का भी एहसास हुआ कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको कैसा लगता होगा, स्पेशली तब जब उन्हें कहीं जाने का घूमने का मन करे। मेरा जॉब तो वैसे भी छूट गया था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जो मुझे अच्छा लगे, हमारे सीनियर सिटीजन्स को आत्मनिर्भरता से घूमने फिरने का मौका मिले और थोड़ी बहुत आमदनी मुझे भी हो। पर आपने आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? पुराना जॉब छोड़ के नया बिजनेस। आप तो मेरा इंटरव्यू लेने लगी हैं। खैर, मेरा जॉब भले ही स्ट्रेसफुल था लेकिन ठीक ठाक पैसे मिलते थे। आज के साथ साथ कल के बारे में सोचकर मैंने सही वक्त पर फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया था, और सही समय आने पर मैं और मेरा जॉब दोनों ही आत्मनिर्भर बन पाए। अंकल आप सच में एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू। देखो बेटा, आप भी अपने आने वाले कल के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, ठीक है? चलो तो फिर आपकी दादी की टूर डिस्कस करें। या जिंदगी का हर पड़ाव कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना, आत्मनिर्भर, उमंग और जोश से भरा। इसीलिए मिस्टर सिंह ने सही वक्त पर श्रीराम उन्नति फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश किया। नौकरी से रिटायर हो सकते हैं अपने पैशन से नहीं, सैलरी रुक सकती है आमदनी नहीं, और इसमें हम भी तो आपके साथ हैं। श्रीराम उन्नति फिक्स डिपॉजिट्स, आमदनी रहे हमेशा। जिंदगी मुबारक हो।